हेलो दोस्तों, अपना गार्डन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी जो वीडियो है मिर्ची के बारे में बताऊंगा। आज इसमें आप इसकी तीखी मिर्ची की कैसे पहचान करेंगे और कम तीखी की कैसे और सबसे कम तीखी की पहचान कैसे करेंगे। ये जो आप पौधा देख पा रहे हैं ये मीडियम तीखी मिर्ची का है। ये जो आप पतली वाली मिर्ची देखते हैं बाज़ार में मिलती है, आपको कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो मिर्चियाँ। जो आप तीखी मीडियम तीखी लेते हैं वो मीडियम तीखी होती है और पतली होती हैं, और जो ज़्यादा मोटी मिर्ची आप देख पाते हैं कहीं पे भी बाज़ार में वो उतनी कम तीखी होती हैं। जितनी बड़ी मिर्ची होती है जितनी मोटी मिर्ची होती है उतनी कम तीखी होती है। और ये जो मैं मिर्ची दिखा रहा हूँ ये मीडियम वाली है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये मैं आपको सबसे ज़्यादा तीखी मिर्ची दिखा देता हूँ। जितनी मिर्ची छोटी होती है उतनी तीखी होती है आप, और जितनी लाल चटक उसका रंग होता है उतनी मिर्ची तीखी होती है। अभी ये लाल हुई नहीं है, लाल जो दो चार हुई थी वो मैंने तोड़ ली थी। आप अपने घर पे भी मिर्ची उगा सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ये जो ऊपर की तरफ ये जितने भी इनके फ्रूटिंग हो रही है, ये मैं आपको पौधा दिखा देता हूँ। ये पौधा आप जो देख पा रहे हैं ये कम ही साइज का रहता है। जो शिमला मिर्च का होता है वो पौधा लंबा जाता है, उसको तारों से बांधना पड़ता है वो, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा हो जाता है शिमला मिर्च का। ये जो आप मिर्ची देख पा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा तीखी इसलिए होती है कि ये छोटे भी होती है और इसका पौधा भी छोटा रहता है, और इसके पौधे पर ज़्यादा बर्डन न पड़े इसके लिए ये पौधा बांधना भी नहीं पड़ता इसलिए, क्योंकि ये छोटी होती है। और ये जो आप दूसरी दिखाई थी मैंने वो कम तीखी होती है। ये जो आप पतली देख पा रहे हैं ये दो चार मिर्चियाँ, ये दूसरी वैरायटी है जो थोड़ी थोड़ी लंबी हो जाती हैं। और तीसरी होती है जो सबसे मोटी होती है और लंबी होती है, वो सबसे कम तीखी होती है। ये मैं आपको इसका आकार के अनुसार दिखा देता हूँ। ये जो आप सबसे छोटी देख रही हैं सबसे तीखी, और जो इसके साइड में देख रहे हैं ये इससे ज़्यादा तीखी है, और सबसे कम तीखी होती है जो सबसे बड़ी वाली होती है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।